किस तरह से आज न्यायपालिका सजा की सुनिश्चितता करने में, पुलिस दोषियों को सजा दिलाने में नाकाम हो रही है, जिससे समाज के जनमानस पर यह संदेश जा रहा है कि कुछ भी कर लो सजा नहीं मिलेगी। नहीं चलेगा। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। 5 दिन पहले हरियाणा के उकलाना कस्बे के अंदर जो टोहाना के आसपास पड़ता है वहाँ गुड़िया नाम की छोटी बच्ची जो मेहनत मजदूरी करने वाले परिवार से संबंध रखती है, रात को वो पूरा परिवार अपने झोपड़ी में सोया और वहाँ से उस लड़की को उठा के उसके साथ बलात्कार किया गया और बहुत ही बर्बरता से उसके गुप्त अंगों में लकड़ी ठोक दी गई और उसकी हत्या निर्मम तरीके से की गई। जो हरियाणा के अंदर जो पितृसत्तात्मक सोच है उसको और ज़्यादा मजबूत करने का काम हुआ है जब से बीजेपी की सरकार आई है, और विशेष तौर पे जो हमारे मंत्री संतरी हैं, खास तौर पे मुख्यमंत्री हैं, वो लगातार इस तरह के बयान देते रहते हैं जो इसको मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जो बर्बरता सामने आई है, इसी तरह की बर्बरता हरियाणा के अंदर हर रोज हो रही है। पूरे देश भर में जो लगातार महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे और बेसिकली आप देखिए ज़्यादातर दलित महिलाओं के ऊपर जो हमले हो रहे हैं, केंद्र सरकार उसके लिए कुछ कर नहीं रही। और जहाँ तक देखिए हरियाणा सरकार शुरू से एक पेट्रियॉरिकल मानसिकता, एक पितृसत्तात्मक मानसिकता से जा रही है। हरियाणा में नहीं, पूरे देश में इस तरह का जहाँ भाजपा सरकार है वहाँ ज़्यादा क्राइम हो रहा है। पिछले अभी उन्हीं की रिपोर्ट आई है केंद्र सरकार के नेशनल क्राइम ब्यूरो की कि 5 राज्य हैं जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ दलितों पे, महिलाओं पे और मुसलमानों पे ज़्यादा हमले हो रहे हैं। जब भी कोई घटना होती है महिलाओं के साथ, वहाँ पे मंत्री और अफसर जो हैं वो ब्लेम द विक्टिम करने लग जाते हैं, उन्हीं को जिम्मेवार ठहराने लग जाते हैं। वो ड्रेस ऐसी पहनती हैं, वो रात को बाहर जाती हैं, वो लड़कों से मिलती हैं, इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी करते हैं। हरियाणा स्टेट ने घूंघट को अपना शान बताते हुए एडवर्टाइजमेंट निकाला था, तो ये अब आप कह रहे हैं महिलाएं जो है घूंघट में रहेंगी, घर में रहेंगी तो सुरक्षित होंगी, लेकिन इस बच्ची का तो घर से उठा करके बलात्कार हुआ है आपके राज्य में। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, हरियाणा की राज्य सरकार, दोनों असफल हैं इस मामले में। महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की आज़ादी और महिलाओं की इक्वालिटी के मामले में ये लोग पूरी तरह से असफल रहे। आज तक अपराधियों को जो है 5 दिन बीत के गिरफ्तार नहीं किया गया। जब तक अपराधी इसमें गिरफ्तार नहीं होंगे हमारे प्रोटेस्ट ऐसे जारी रहेंगे।